अध्यक्ष महोदय आपने मांग संख्या उनचालीस चालीस स्वय शासन विभाग पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार मैं छोटी सी एक मांग है ग्राम पंचायत मंडल के अंदर ग्राम पंचायत है मैं बिलवाड़ा जिले से आता हूँ बिलवाड़ा जिले में मंडल विधानसभा है और मांडल विधानसभा में एक भी नगर मालिका नहीं है मैं मंत्री महोदय भी विराजमान हैं आपसे भी मांग करता हूँ अगर कर मैंने लिख के भी दिया था अगर मांडल ग्राम पंचायत को संतोषपुरा सहित मिलाकर दो पंचायतों को अगर नगर पालिका बनाते हैं तो 20 से पच्चीस हजार वोटर उसके रहेंगे तो एक मेरी मांग है कि मांडल ग्राम को नगर पालिका बनाकर वासियों के लिए कोई अच्छा सोचें और मांडल विधानसभा क्षेत्र के अंदर नगर पालिका तो नहीं है लेकिन नगर विकास न्यास के जो पेराफेरी के गांव हैं करीब छप्पन गांव पेराफेरी के यू नगर विकास न्यास में आते हैं उसको डेवलपमेंट करने का उसकी जमीन का अधिग्रहण करने का सारा अधिकार नगर विकास न्यास को है मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ मांडल विधानसभा के जो भी गाँव हैं उनमें विकास कार्य करवाने के लिए मांडल गांव में जो अंडरग्राउंड बिजली की लाइट फिटिंग करी गई थी जो वो पिछली सरकार में उन लोगों ने पूर्ववर्ती सरकार ने जो भी कमीशन के जो भी जो खेल किया लेकिन आए दिन वहाँ करंट आने का बहुत सारी घटनाएं हो रही तो ये नया टेंडर करके ये अंडरग्राउंड बिजली की जो लाइन है उसको सही कराने का काम करें और मांडल गांव के अंदर एसडीएम ऑफिस से लगा के तालाब की पाल तक जो डिवाइडर बनाए गए थे पूर्ववर्ती सरकार में उन डिवाइडरों के ऊपर बिजली के खंभे लगे थे लाइटें लगी थी लेकिन उन सब को लाइटों को वापस ठेकेदार खोल के ले गया या तो उस टेंडर का अंदर वो लाइटें थी या नहीं थी अगर थी तो उसको खोल करके क्यों ले गए वापस पुनः मांडल में उजाले के लिए उन्हीं डिवाइडरों के ऊपर लाइटें लगाई जाए और मांडल वासियों को उजाला और रोशनी की व्यवस्था की जाए मांडल गांव के अंदर एक धर्म तलाई है धोमी नाडी जहां पर ये ग्यारहस के दिन मेला भरता है करीब पचास हजार लोग रहते हैं और मांडल गांव में एक बहुत बड़ा तालाब है जो राजस्थान का सबसे बड़ा तालाब है करीब 300 फीट चौड़ी उसकी पहाड़ है वो बांध है लेकिन उसको तालाब का दर्जा है उन दोनों को सौंदर्यकरण किया जाए और भीलवाड़ा में जैसे मानसरोवर झील बनी हुई है उसी तर्ज पर मांडल गाँव में दोवणी नाटी धर्म तलाई और मांडल के तालाब का सौंदर्यकरण किया जाए और उसका जीर्ण जीर्णोद्वार करके उसका सुंदरकरण करें जिससे कि आवागमन का आने जाने वालों को उसका रहे और उसकी आमदनी भी बढ़े मंडलवासियों की और पालड़ी में एक मेरा गांव पालड़ी है वो पालड़ी गांव के अंदर है मैं सभापति आपके महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि बिलवाड़ा नगर विकास न्यास के अंदर जो पिछले पूर्ववर्ती सरकार में कांग्रेस सरकार के वक्त में जितने घोटाले में जो ज़मीनों के जितने घोटाले में शायद राजस्थान में कहीं भी नहीं होंगे और आज एक भी कॉलोनी भिलवाड़ा शहर के अंदर ऐसी नहीं जहां पर नगर विकास न्यास के 100 200 200 प्लॉट बचे हैं क्योंकि चारों मेरे पेरा के गांवों में कॉलोनी काटते हैं भूमाफिया वहां पर ज़मीनों का सारा मुआवजा शहर के अंदर लेते हैं ये मैंने पिछली बार भी बोला था मंत्री महोदय से मैंने निवेदन भी किया था ये एक्शन में भी रहते हैं ये करेंगे कार्रवाई पर वो पैरा फेरी के गाँवों में कॉलोनियाँ काटते हैं वहाँ पर रोड बनाते हैं जहाँ पर एक भी बच्चा निवास नहीं करता वहाँ पर इगर विकास न्यास के अरबों खरबों रुपए लगा के रोड बना देते हैं लाइटें लगा देते हैं लेकिन जहाँ पर जो गांववासी है मंडल विधानसभा क्षेत्र के उन गाँवों के अंदर ना नालियाँ बनी ना रोड बनी ना पानी का पाइप लगा ना लाइटें लगी कुछ भी नहीं हुआ मैं मंत्री महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ पर जो पूर्वर्ती सरकार के नेताओं द्वारा जो भूमापियों को फायदा पहुंचाने के लिए उन लोगों ने जो जंगलों में कॉलोनियां काटी कॉलोनियों में बड़े बड़े लाखों करोड़ों अरबों अरबों रुपये खर खर्च कर दिया उनका राजकोष से घाटा किया उस घाटे की वापस पूर्ति करें और सरकार में जमा करें उनका जो संविधान और नियम के कानून में दायरे में वो वापस जमा करें और ग्राम जो छप्पन गांव उन ग्रामवासियों को क्योंकि उनकी चारा का भूमि को उन्होंने लिया सब कुछ लिया लेकिन उन ग्रामवासी बेचारे विकास के लिए तरस रहे उन गांवों का विकास किया जाए जो भीवाड़ा शहर के भिलवाड़ा शहर ही ऐसा शहर है जिसके अंदर मांडल विधानसभा पूरे चारों तरफ मांडल विधानसभा है पच्चीस पच्चीस तीस तीस किलोमीटर मांडल विधानसभा बसी हुई है लेकिन मंडल के नाम पर विकास नगर पालिका नहीं है लेकिन नगर विकास न्यास वाले सारे पैसे को वहां पर खर्च करते हैं केवल न केवल भू माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए भू माफियाओं पर कार्रवाई करें क्योंकि वहां पर एक पालड़ी गांव है छोटी पुलिया से होता हुआ सीधा पालड़ी गांव का जो ब्रिज बनता है तो वहां कम से कम सत्तर गांवों को आने जाने की सुविधा मिलेगी लेकिन केवल केवल भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए जोधराज आर ओ बी का ब्रिज हाई लेवल ब्रिज बना दिया वहाँ करोड़ों सौ डेढ़ करोड़ रुपए खर्च कर दिया वहां पर एक मकान नहीं है डिमार्केशन नहीं है, आगे नदी के उस किनारे पर अभी तक उन्होंने जमीन एक बार भी नहीं की केवल केवल भू भूमाफिया जिसकी 500 सौ बी जमीन है वह कॉलोनी काटने के लिए उसको फायदा पहुंचाने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च कर दिया ऐसा जहाँ लोग निवास करते हैं उन लोगों आप डेवलपमेंट करो वहाँ भला करो तो ठीक बात है लेकिन केवल न केवल के भूमाफियों को फायदा पहुंचाने के लिए आप अगर काम कर रहे हो पाँच सौ छह सौ बीघा भूमि इनको एक भी फिट जमीन वहाँ बार नहीं कही गई वहाँ डेढ़ सौ करोड़ का एक ब्रिज बना के छोड़ दिया गया और केशव हॉस्पिटल के वो पास में एक ब्रिज बनाया गया पिछले तीन साल से बन रहा है वहाँ पर एक कॉलोनी एक भी आदमी निवास नहीं करता वहाँ पर अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए रोड लाइटें लगा दी जंगल में कौन ना अगर आपको खर्चा ही करना है तो गाँवों में लगाए शहर में लगाए जहाँ भी वहाँ करें जो ये सरकार का पैसा उसका केवल केवल भू मापियों के खिलाफ जो फायदा पहुंचाने के लिए जितना मैंने पिछली बार बताया था हलेड़ के अंदर हलेड़ से लगा के सम्मेलन तक एक रोड निकाला था उसका अभी तक डिमार्केशन नहीं हुआ वह वहाँ पर फसलें खड़ी हुई है केवल न केवल पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं द्वारा उनकी अड़सठ बीघा जमीन का हंड्रेड परसेंट मुआवजा उठा लिया गया जबकि नियम और कानून यह है कि उसका पच्चीस परसेंट ही मुआवजा दिया जा सकता और पच्चीस भी उसी गाँव में दिया जा सकता है शेर की जो पोस्ट कॉलोनियाँ हैं उसके अंदर पच्चीस परसेंट के हिसाब से मुआवजा दे सकते हैं लेकिन हंड्रेड परसेंट अड़सठ भी आज की कंडीशन में वहां पर मैं मंत्री मोदी को फोटो भी दिखाऊंगा वहां फसल खड़ी है लेकिन रोड का अपने जमीनों का फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है मंत्री बिराजी बिराजी बस माननीय सभा <laughs>